जो भी बिंदु हैं उन सभी की जानकारी आज हम सभी को प्राप्त होगी। भिन्न भिन्न विकास खंडों से जो लोग आए हुए हैं अपने अपने विकास खंड की पट्टिका जहां लगी है देख लें और उन जगहों पर ही बैठेंगे। पत्रकार बंधुओं के लिए जो स्थान नियत है उसको उन्हीं के लिए रहने देंगे। आदरणीय डीपीआरओ साहब, मंच पर आसीन परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, सीएमओ साहब, दूर दराज से आए हमारे सम्मानित निर्वाचित गण, सभी पंचायतगण, शासकीय निर्देशानुसार एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण में माननीय अधिकारी महोदय का, पुलिस अधीक्षक महोदय का और सीएमओ का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं सभी ग्राम प्रधानों से अनुरोध करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें तथा सात नौ निर्वाचित ग्राम प्रधानों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम को गति देते हुए कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दीप प्रज्वलन कर होने वाला है। डीपीआरओ साहब, कल्पना जी, डीपीसी, आप सभी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, डीपीआरओ साहब, साथ में अपने जिले के पुलिस प्रशासन के मुखिया, पुलिस अधीक्षक महोदय, स्वास्थ्य विभाग के मुखिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय के साथ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दीप प्रज्वलित करके इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हो रहा है। एक नई विकास की लौ जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के एक नए विकास को देते हुए आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। नागेंद्र मल्ल जी, श्रीमान नागेंद्र मल्ल जी, इस जिले को रहने के कार्यखंड में अखिल भारतीय स्तर पर उकेरा है जिन्होंने, वो भी हमारे जिलाधिकारी महोदय के साथ में। और माल्यार्पण के पश्चात बीच में भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हमारे बीच में हैं, श्री सुनील सरगम जी। उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो अपना स्थान ले लें, क्योंकि माल्यार्पण के साथ साथ उनके बांसुरी की ध्वनि के लिए हम उनको आवाहित करेंगे। और अब जिला
पंचायत राज अधिकारी महोदय से अनुरोध है, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे जिले के मुखिया जिलाधिकारी महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत करने का कष्ट कर, बुके देकर स्वागत करने का कष्ट कर। करते हुए अधिकारी महोदय को डीपीआरओ साहब, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय का बुके देकर स्वागत करते हुए डीपीआरओ साहब, माल्यार्पण करके स्वागत करते हुए अपने पुलिस अधीक्षक श्री घनश्याम सागर जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय। और अब कल्पना जी से हमारा अनुरोध है कि अपने मुख्य चिकित्सा महोदय का ओके देकर के स्वागत करें। मुख्य महोदय का ताली बजाने में हम लोग भूल जाते हैं। और इसी एडीपीआरओ साहब नित्यानंद जी से अनुरोध है कि सीएमओ साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करें। एडीपीआरओ साहब, अरे जिला सूचना अधिकारी श्री प्रभाकर त्रिपाठी जी का स्वागत करते हुए एडीपीआरओ साहब, उनसे अनुरोध है कि आप मंच से वहीं जाकर उनका स्वागत करें यदि वो नहीं आ पा रहे हैं। होम्योपैथी अधिकारी डॉक्टर साहब, आपसे भी अनुरोध है कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। एडीपीआरओ ने अभी अभी किया है अधिकारी महोदय का स्वागत करने का कष्ट है। अधिकारी महोदय का अर्पण करके स्वागत करते हुए मुख्य विकास श्रीमान ऋषि मुनि उपाध्याय जी भी हो गए हैं, आपका बुके देकर के सहायक अधिकारी महोदय, आपसे अनुरोध है मुख्य विकास अधिकारी महोदय का। और मुख्य विकास अधिकारी महोदय का ही माल्यार्पण करके स्वागत कर जिला पंचायत अधिकारी महोदय, अनुरोध है मुख्य विकास माल्यार्पण करके स्वागत करने का। देखिए जो किट रहे हैं वो किट केवल ग्राम प्रधान जी के किसी अन्य के लिए नहीं है, इसका ध्यान की प्रक्रिया अभी विराम, जैसे अभी हमने घोषित किया था ने भी इस विषय में अनिल सरगम जी अभिवादक है और अपने सौभाग्य है अपने का एक गांव है रोहता, वहां के वो ग्राम प्रधान जी आपने भारत संगीत घराने से शिक्षा ली और भी प्रसन्नता की बात कि विश्व पंडित
राज अधिकारी साहब महोदय काबू के स्वागत करते हूँ। अधिकारी महोदय बुके देकर हमारे महोदय पंचायत का स्वागत कर डीपीआरओ अधिकारी करके कर रहे एडीओ पंचायत एडी पंचायत निचरो
जनता